नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज की लाइव स्ट्रीम में। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लाइव स्ट्रीम होने वाला है क्योंकि इसके अंदर बता रहा हूँ मैं आपको कि हम लोग एक फ्री बग बाउंड्री की सीरीज बना रहे हैं जो काफ़ी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। जो लोग साइबर सिक्योरिटी और बग बाउंड्री सीखना चाहते हैं तो हमारे सीरीज़ का वो बेनिफिट ले सकते हैं और सीरीज़ के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, बग हंटिंग के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार ऑडियो चेक। हमारा लाइव स्ट्रीम होने वाला है क्योंकि इसके अंदर बता रहा हूँ मैं आपको कि हम लोग चलेगा बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, हमारा ऑडियो चेक कंप्लीट हो चुका है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं तो बग हंटिंग के अंदर जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं बग बाउंटी के लिए, ठीक है ना, और कैसे कैसे क्या क्या मैथोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, बारीकी से बारीकी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले सीरीज़ के अंदर। तो अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान दें कि आगे भी आप वीडियो कंटिन्यू रखें, ठीक है ना, और अगर आप बीच की वीडियो को ही देख रहे हैं तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे पिछली वीडियोज़ भी जरूर देखें। डे वाइज हम लोग अपलोड करेंगे, डे वन, डे टू, डे थ्री, ठीक है ना, दो तीन दिन के गैप में एक वीडियो आएगी आपका। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। हमारा जो ये आज का कोर्स है डे वन है उसका, ठीक है ना, तो बात करते हैं हम लोग बग हंटिंग के डे वन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आज हम बेसिकली एप्लीकेशन के वॉक थ्रू से स्टार्ट करेंगे कि जब आप कोई वेबसाइट का डस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, अब ये बग हंटिंग सिर्फ वेबसाइट का नहीं हो सकता, ये सिर्फ एपीआई का भी हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका किसी और चीज़ का भी हो, मोबाइल ऐप का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी बग हंटिंग को जब आप है ना किसी भी बग बाउंटी को स्टार्ट करते हैं और आपका स्कोप डिफाइन होता है तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मिस्टेक्स जो होते हैं जनरली लोग करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो लेट्स सपोज कि कभी आप किसी बग बाउंटी प्रोग्राम के ले जाएं, तो पहले तो बता दूं मैं आपको, बग बाउंटी जो है ना ये बग बाउंटी प्रोग्राम का नाम है ना। काफ़ी सारे लोग बोलते तो अपन सर बग बाउंटी प्रोसेस है क्या, नहीं नहीं बग बाउंटी प्रोसेस नहीं है, बग बाउंटी प्रोग्राम का नाम है। बग और बाउंटी, बग के ऊपर जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसे हम बग बाउंटी प्रोग्राम बोलते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो करवाती है, उसका पर्पस होता है कि ताकि ना उनको अपने कंपनी के अंदर पेंटेस्टर हायर ना करने पड़े और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका काम हो जाए और कोई बग मिले तो वो रिवॉर्ड दे दे उसके ऊपर। अगर मान लो एक वेबसाइट के अंदर 25-30-50 वल्नरेबिलिटी से ज़्यादा क्या वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी, और वो ये वल्नरेबिलिटी सिर्फ एक ही दिन में हंट नहीं होती, काफ़ी टाइम लगता है इसको हंट करने में। तो उनके लिए भी ईजी है कि ना बग के ऊपर पैसा देना एज कम्पेयर टू किसी पर्टिकुलर पर्सन को हायर करना कंपनी के अंदर, उसको पर मंथ सैलरी देना। तो इसलिए काफ़ी सारी कंपनी जो है ना होस्ट करती है अपने बग बाउंड्री प्रोग्राम्स को। हमारे इस कोर्स के अंदर जो हम लोग करने वाले हैं, जो ये अनलिमिटेड चलने वाला है, ठीक है ना, 2-3-4 महीने 6 महीने तक चलेगा हमारा ये वाला कोर्स। तो बेसिकली हो सकता है साल भर भी चले हमारा ये वाला कोर्स, बग बाउंड्री का कोर्स। इसके अंदर हम लोग हर एस्पेक्ट्स पर हम लोग बात करेंगे, कुछ बुक्स भी हम लोग रेफर करेंगे बीच में, वो आपको बुक का रेफरेंस का लिंक भी दूंगा मैं, कहाँ डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो बुक्स का भी हम रेफरेंस लेंगे और ना उनके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं बग हंटिंग के वो भी हम समझेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बता दूं मैं आपको, पहले जो काम होता है ना कि पहली गलती हम बहुत सारे बग हंटर क्या करते हैं, वो स्कोप मिला नहीं उनको और उसके बाद फिर वो इनोमरेशन करना चालू करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मेरे सामने पहला वाला वेबसाइट है, ठीक है ना, ये मेरा स्कोप है बग बाउंड्री प्रोग्राम के अंदर, ये वेबसाइट जो है ना लिस्टेड थी। अब क्या होता है कि उनके दिमाग में क्या होता है कि तपन भाई ये प्रोग्राम के अंदर ये डोमेन लिस्टेड था, तो पहली गलती क्या करते हैं वो लोग, पहले ही अपना ना काली लिनक्स जो है ना पहले ताव पे रखते हैं और ना लगाना शुरू। अब पहला काम क्या करेगा कोई भी बग हंटर, पहले तो इसके ओपन पोर्ट्स के बारे में जानेगा, ठीक है ना, इसके सर्विसेज कौन सी रन कर रहा है वो जानेगा, सब डोमेन इनोमरेट करेगा, अगर ये खुद सब डोमेन है तो इस डोमेन के सब डोमेन और कौन कौन से हैं वो जानने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मान लो कि काली का यूज़ करते हैं हम लोग हमारे थ्रू आउट द लैब हम लोग काली लिनक्स का यूज़ करने वाले हैं, ताकि अगर आप OSCP करने जाएँ तो उसके अंदर भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाए और बाकी भी ऐसे भी आपको काली लिनक्स जो है काफ़ी काम आने वाला है। अगर आप इस कोर्स पे फोकस करेंगे तो आप काफ़ी हद तक है ना OSCP का वेब एप्लीकेशन वाला पार्ट भी क्रैक कर सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर पूरे एंटायर कोर्स में। सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे वाली वीडियोज़ जो है ऐसी ही आती रहेंगी, ठीक है। अब मैं काली ऑन कर लेता हूँ एक बार। अब क्या होता है कि जैसे मान लो जब भी आप बग हंटिंग करते हैं तो कंपनी क्या करती है, कई बार आपको स्कोप डिफाइन कर देती है। अगर आपका स्कोप जो है ना वो ये है, ठीक है, ये आपका स्कोप दे रखा है उन्होंने, ठीक है, तो आपको इस स्कोप के बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना। बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं कि हम सब डोमेन इसके अदर डोमेन से इनोमिनेट करना चालू करते हैं, वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, नहीं, दैट इज़ नॉट एथिकल, ठीक है ना। कंपनी ने अपना जो जोना है वो डिसाइड कर रखा है कि बॉस आपको इसी के अंदर टेस्टिंग करनी है, अगर आप इसके बाहर टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये अनएथिकल होता है, यू कैन नॉट रिपोर्ट इट। आप कई बार देखेंगे तो वो डोमेन देगा भी नहीं कि आप किसी थर्ड पार्टी मतलब इसी पर्टिकुलर कंपनी की दूसरे सब डोमेन की ना वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करें। तो पहली बात तो जो स्कोप दे दिया गया है उसके उसी को लिमिट रखना है और उसके बाहर हमें जाना नहीं है। ये गलती ना करें, बहुत सारे बग हंटर गलती करते हैं कि भाई मुझे ये मिल गया, जैसे लेट सपोज मुझे vulnweb.com मिल गया मुझे, ठीक है ना, इसका बेसिकली ये टेस्ट एस्टिमल 5 डॉट ये जो है ना ये इसका सब डोमेन है। अब पहली गलती क्या करेंगे वो कि ना वो एनमैप पे जाएंगे, ठीक है, एनमैप पे जाके पोर्ट स्कैनिंग करके उसके चेक करते हैं ओपन पोर्ट्स कितने हैं। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे एक डिफरेंस होता है आपका सर्वर हैकिंग के अंदर और वेब एप्लीकेशन हैकिंग में। वेब एप्लीकेशन में बेसिकली कंपनी इज लुकिंग फॉर कि हमने जो
कोड के थ्रू हमने वेबसाइट डेवलप करी है, उसके लॉजिक्स कितने स्ट्रांग है, और क्या उस एप्लीकेशन जो है ना ये OWASP टॉप 10 या किसी स्टैंडर्ड को जो आप फॉलो करते हैं ठीक है ना, उसको उसके ऊपर खड़ा उतरता ही नहीं उतरता। आप इस चक्कर में अगर नहीं पहुंच जाते हैं, आप सर्वर टेस्टिंग करने चल जाते हैं। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सर्वर टेस्टिंग कभी कभी भी हम लोग एप्लीकेशन के अंदर नहीं लेते हैं। अगर मैं किसी पोर्ट की सर्विस को एक्सप्लॉइट करने जा रहा हूँ तो वो चीज़ जो है ना वो अलग स्कोप में आती है। और ये जो वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग है ना ये प्योरली वेब एप्लीकेशन के ऊपर होता है, इसमें सर्वर का कोई लेना देना नहीं होता। सर्वर बेस्ड वल्नरेबिलिटी आप ढूंढ सकते हैं, SSRF वल्नरेबिलिटी हो गया ठीक है ना, सर्वर टैबलेट इंजेक्शन हो गया, इस टाइप की वल्नरेबिलिटी जरूर ढूंढ सकते हो जो एप्लीकेशन के थ्रू ही हो रही है, पर आप डायरेक्टली सर्वर को एक्सप्लॉइट नहीं मार सकते। जैसे मान लो कि अगर आपने कोई पोर्ट देखा, सर्विस उस पर आउटडेटेड है और आपने उसको एक्सप्लॉइट मार दिया, तो वो कभी वेब एप्लीकेशन में कायदे से नहीं काउंट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब कंपनीज में ऑडिट करते हैं तो हमारा वेब एप्लीकेशन का अलग होता है और हमारा सर्वर का अलग स्कोप होता है। अगर सर्वर बोला गया तो वो IP एड्रेस देगा अपन को, और एप्लीकेशन बोला गया तो वो URL देगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड अ सर्वर, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद वो अपना पोर्ट स्कैनिंग करना चालू कर देंगे। अब पोर्ट स्कैनिंग करने से क्या होता है, जैसे मान लो कि ना, अगर बताऊँ मैं आपको इंडस्ट्री बेस बताऊँ मैं आपको ठीक है ना, ऐसे बग हंटिंग करते हैं आप किसी प्लेटफॉर्म के लिए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी टेस्ट करो ठीक है ना, और दे आर नॉट लाइबल टू रिस्पॉन्ड यू इफ यू आर यू नो गोइंग आउट ऑफ द स्कोप ऑल्सो। अगर आप स्कोप के बाहर जा रहे हैं तो वो आपको बाउंड नहीं करने वाले, बट वैन यू आर इन ऑडिट, ये चीज़ बहुत गलत प्रैक्टिस होती है बहुत सारे बग हंटर की कि ना वो अपने स्कोप के बाहर चल जाते हैं। पर जब आप किसी कंपनी की ऑडिट करते हो उस टाइम पे, जब आप कोई वेबसाइट को टेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर उस डोमेन के बाहर का कोई डोमेन डाल दिया, हो सकता है कि वो सब डोमेन ही टेस्ट करवा रहा है और आपने उस सब डोमेन के अलावा अपने मेन डोमेन के भी बग भी डाल दिया, दैट बिकम अनएथिकल, कंपनी इसके लिए आपको बैन भी कर सकती है ठीक है ना। तो ध्यान दें, ये गलती कभी ना करें कि आप अपने स्कोप के बाहर कभी ना जाएं, और अगर जा रहे हैं तो ये रिस्क पूरा आपका रहता है। बग बाउंटी में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे यू फॉर दैट, बट हाँ रियल टाइम ऑडिट के अंदर बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए देखा होगा जैसे बहुत सारे लोगों मैंने देखा है ठीक है ना, बग हंटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो अब उनको स्कोप मिल गया, भाई क्या चीज़ का है, ये है टेस्ट html5.vulnweb.com ठीक है ना, तो इसको डॉट पहले वो पिंग करेंगे ठीक है ना, सो दैट दे कैन चेक ठीक है। अब एक मिनट सोचिए, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैं बेटर रहेगा ठीक है, पेस्ट पहला करेंगे, पहले पेस्ट करेंगे। चलो ठीक है भाई, हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल गया ठीक है ना। अब ये आईपी एड्रेस मिलके वो जाने क्या ही करने वाले ठीक है ना, उनको ये आईपी एड्रेस मिल गया, देन क्या करेंगे वो एन मैप में लगा देंगे इसको, और एन मैप 44.228.249.3 ठीक है। एन मैप पर उन्होंने पोर्ट स्कैन करना चालू कर दिया, हो सकता है इसकी रेंज भी स्कैन कर ले वो ठीक है ना, तो वो भी करते हैं आई कैन के थ्रू पूरी रेंज ही निकालना शुरू कर दे वो ठीक है ना। तो देर माइट बी पॉसिबिलिटी ठीक है ना, क्योंकि कंपनी जो होती है ना, जैसे आप ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं कर रहे, लोगों क्या है कि ना मैथोलॉजी क्या है पता ही नहीं है ठीक है। इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे इंटरव्यूज होते हैं तो दे विल ऑलवेज आस्क यू फॉर द मैथोलॉजी आप क्या फॉलो करते हैं इस टेस्टिंग के करने दौरान। आप कोई सी भी ऑडिट उठा के देख लें, आप नेटवर्क टेस्टिंग लें, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग लें, API टेस्टिंग लें, आप मोबाइल ऐप टेस्टिंग लें ठीक है ना, आप कोई सी भी दुनिया में कोई सी भी टेस्टिंग लेंगे ना, तो हमेशा एक पहला सवाल जो आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा कि आपने कौन सी मैथोलॉजी फॉलो करी इसको टेस्ट करने के दौरान। वो ये बताता है कि जो मैथोलॉजी आपने यूज़ करी उसके अंदर वो सारे चेक्स आपने कंप्लीट करें नहीं करें। अगर आप OWASP टॉप 10 कहते हैं तो OWASP टॉप 10 की अलग मैथोलॉजी होती है, ऐसे अलग अलग की सबकी अलग अलग मैथोलॉजी होती है ठीक है ना। तो अगर मान लो अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं अभी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में चला गया, हो सकता है कि मोर ऑन में रेड टीमिंग वाले पार्ट में आ गया हूँ ठीक है ना। तो रेड टीमिंग का स्कोप अलग होता है, जहाँ पे स्कोप डिफाइंड ही नहीं होता बॉस, वहाँ सिर्फ कंपनी का नाम होता है। लेट सपोज मुझे वल्नरेबल वेब ने और कॉन्टेक्स्ट ने बोला, तपन आई एम गिविंग यू द प्रोजेक्ट फॉर रेड टीमिंग। अब रेड टीमिंग का मुझे पीरियड दिया, तो अब अकोनेटिक्स जो है ना, ये अकोनेटिक्स क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देख लेना एक बार आप ठीक है, कहाँ गया हाँ। अब देखो दिख रहा होगा आपको, ये जो है ना, ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली डमी वेबसाइट है किसकी, अकोनेटिक्स की। तो अकोनेटिक्स ने मुझे ये नीचे लिखा हुआ, इसका नाम भी लिखा हुआ है ठीक है, तो ये अकोनेटिक्स जो है ना ठीक है। तो ये अब ये ऑकोनेटिक्स ने मुझे क्या कर दिया, ये ना स्कोप दिया कि तपन तुम्हें क्या सर्च करना है, तुम्हें बेसिकली सर्च करना है मेरे वेब सर्वर में या फिर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रेड टीमिंग करना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का। तो जब मैं रेड टीमिंग करूँगा देन मैं सारे इफ बट पर इफ एल्स जो भी है मैं सब ट्राई करूँगा,
पर अगर मुझे उसने ये बोल दिया कि नहीं आपको वेब टेस्टिंग करना है, तो उस कंडीशन में मुझे इस स्कोप से बाहर नहीं जाना, उसने मुझे ये स्कोप दिया है। तो रेड टीमिंग के अंदर आप ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर करते हैं, वही सेम चीज़ होता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर भी, जहाँ पे हम सब चीज़ें कवर करते हैं वहाँ पे आईपी भी इनोमिनेट करेंगे, पर उसका स्कोप ही इतना बड़ा होता है दैट यू कैन नॉट एब्जॉर्ब। अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी के आईपी रेंजेस को निकालने बैठ गए, ठीक है ना, उसके आईपी एड्रेस को ही आपने देख लिया ना, तो वो आईपी एड्रेस इतने सारे होते हैं, अगर आप डीएनएस इनोमिनेट करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको अभी, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं अपन, तो जब अपन ने यहाँ पे करा तो यहाँ पे इसने मुझे ओपन पोर्ट दे दिया। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं ना इसके एफटीपी तक घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, इसके आरटीपीएस आरटीएसपी के थ्रू घुसने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वो पीपीटीपी के थ्रू घुसने की कोशिश करें, हो सकता है कि वो एचटीटीपी थ्रू एंटर करने की कोशिश करें। नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है अगर आप बग हंटिंग कर रहे हैं तो वेब एप्लीकेशन की स्पेशली, ठीक है ना, ये आप वेब एप्लीकेशन में नहीं जा रहे, ये आप सर्वर टेस्टिंग के अंदर एंटर कर गए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारे से कॉन्सेप्ट जो बिगड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मैथोलॉजी का बारे में पता ही नहीं लोगों को कि यार मैथोलॉजी क्या है, तो वो चीज़ें हम लोग हमारे इस फ्री कोर्स के अंदर कवर करेंगे, ताकि आप जब टेस्ट करें तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहे मैथोलॉजी पर फोकस करना। और ध्यान दें, मैथोलॉजी हमेशा आपको कैरी करनी है, क्योंकि जब भी आप ऑडिट करेंगे, ऑडिट के दौरान भी आपसे मैथोलॉजी पूछी जाएगी, और इंटरव्यू के अंदर भी मैथोलॉजी जो होती है ना वो बता दी आप कितना सिस्टमैटिक टेस्टिंग करते हैं, यू नो कि ना इस पर्टिकुलर टेस्टिंग के अंदर क्या मेरे स्कोप में, क्या मेरे स्कोप में नहीं है। एज अ बिगनर यू डू नॉट केयर अबाउट द स्कोप, आप सिर्फ बग हंट करना है, टेस्ट करना है, डजेंट मैटर सब डोमेन में डोमेन में। बट इन अ कंपनी एज एन ऑडिटर, एज अ पेन टेस्टर, रिस्पॉन्सिबल पेन टेस्टर, यू शुड स्ट्रिक्टली स्टिक विद द स्कोप। तभी आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो बर्बसूट एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसने खुद ने स्कोप का क्यों ऑप्शन दिया है, क्योंकि इसको भी पता है कि अगर मान लो कंपनी ने आपको स्कोप में एक वेबसाइट दे दी, हो सकता है उस वेबसाइट के उसने कुछ पेजेस हटा दिए, तो वो भी इसने ऑप्शन दिया है, क्योंकि दीज सॉफ्टवेयर्स आर बिल्ट बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज। हम जो इंडस्ट्री के बंदे हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि यार इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, उसके हिसाब से बर्बसूट अपने एडिशन को इम्प्रूव करता है, और नए नए एडिशन आते रहते हैं थोड़े दो तीन दिन चार चार महीने के अंदर इसके अंदर। वो क्यों आते हैं, क्योंकि वो देखता है कि हाँ यार यहाँ पे कमी, यहाँ पे कमी है। ऐसे ही अगर आप बर्बसूट को ओपन करेंगे तो वो स्टार्टिंग में देगा आपको कि आप वहाँ पे टारगेट अपना ऐड कर सकते हैं, स्कोप डिफाइन कर सकते हैं, वो स्कोप डिफाइन करने का पर्पस ही वो है। दिखाता हूँ मैं एक बार आपको, ठीक है, ये नया वाला इसका वर्जन है, ठीक है ना, डैशबोर्ड आ गया। अब दिख रहा है आपको ये टारगेट जो दे रखा है यहाँ पे, अगर मैं अभी यहाँ पे कोई वेबसाइट जो है स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि ना टारगेट जो है ना आ जाता है ईजिली। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, चलो प्रॉक्सी डालते हैं, बहुत बढ़िया। ये बहुत बारीकी है जो मेरे हिसाब से आपको सीखना चाहिए, और ना मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ना इंडस्ट्री के साथ ट्रेन हो, जो देखो इंडस्ट्री के हिसाब से काम करना और एक नॉर्मल बग हंटिंग करना दोनों में अंतर है एक्चुअल में। देर विल बी लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वैन यू आर डीलिंग इन द इंडस्ट्री, जब आप इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जब आप बग हंटिंग कर रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, चार डोज भी लगा दो ना क्या फर्क पड़ रहा है, स्कोप में नहीं देखा क्या, पैसे तो नहीं देगा ना, और कर क्या लेगा वो मेरा गिड़िया पॉइंट। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, पर कंपनी में ऐसा नहीं होता है। जब आप कंपनी में डील कर रहे हैं उस टाइम में मेरा क्या कर लेगा बहुत बड़ी बात होती है, बहुत आपको डायरेक्टली फायर कर देगा जॉब से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, इसलिए सही मेथोलॉजी से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ पे मैं देखूँ तो टारगेट में आ गया मेरे पास, दिख रहा होगा जैसे मैंने स्कैन करना स्क्रॉल करना चालू करा, उसने मेरे को दो तीन साइट दे दी कि इन दो तीन साइट से आपका ट्रैफिक जो है पास हो रहा है। तो ऑडिट के दौरान आप भी यही करेंगे, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब आप कोई एप्लीकेशन का वॉक थ्रू ले तो उस टाइम में बैक एंड के अंदर आपका बर्बसूट चालू रहना चाहिए, सो दैट व्हेन यू इनोमरेट, जब आप किसी भी पेज को इनोमरेट करें, किसी भी आप इनपुट को फील्ड को डालें, तो आपका बर्बसूट हमेशा उसको कैप्चर करना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने डोमेंस इस पर्टिकुलर वेबसाइट से लिंक है, कितनी APIs है, API का अलग से सेक्शन दे देता है वो, API कितनी कितनी हिट हो रही है, वो सब चीज़ें आपको बहुत क्लैरिटी से मिल जाती है। अगर आप एक वेब एप्लीकेशन का वॉक थ्रू भी दिखाऊंगा मैं करके पूरा का पूरा, ठीक है ना, तो एप्लीकेशन का वॉक थ्रू अगर आप लेने जा रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में माइटी पॉसिबल आप API को मिस कर दो, और API जो है ना आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉस। बग मिलना इस पे इतना इजी है जितना वेब एप्लीकेशन में, क्योंकि वेब एप्लीकेशन पे लोगों को पता है वेब एप्लीकेशन काफ़ी सिक्योर होता है, और API जो है ना ये सिर्फ एंड पॉइंट है जहाँ पे आप इनपुट डालते हो और वहाँ से रिस्पॉन्स निकल कर आता है, तो इसके ऊपर सिक्योरिटी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे डेवलपर जो है ना API पे सिक्योरिटी कम लगाते हैं और एप्लीकेशन पे ज़्यादा सिक्योरिटी लगाते हैं उसकी। तो आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपको API पे ज़्यादा फोकस करना है, पर वो API मिलेगी कहाँ? एक बड़ी एप्लीकेशन में अगर मैं 10 या 25 API यूज़ कर रहा हूँ तो हाउ वुड आई नो कि API है का बॉस, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं एप्लीकेशन को वॉक थ्रू ले
ले रहा हूँ तो शायद मुझे पता ना चल पाए, पर वही चीज़ जब आप बर्ब सूट के थ्रू करेंगे ना तो उस कंडीशन में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वेबसाइट में कितनी API है। मेरे हिसाब से लाइव करके दिखाना पड़ेगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको बस, जैसे मान लो कि लेट सपोज फ्लिपकार्ट है, flipkart.com, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, और अदर देन दिस अमेजोन ले लेते हैं, amazon.in इंडिया वाला खोल लेते हैं अपन, ठीक है, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं इसलिए। भाई जिसको अपने अपने करियर का गाइडेंस चाहिए तो मैंने फॉर्म दे रखा है, तो आप मेरे से करियर गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं इंडस्ट्री बेस्ड। पर भाई साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है इंडस्ट्री बेस्ड तो कैसे बनाना, फॉर्म दिया हुआ चैट बॉक्स में, और अच्छा लग रहा वीडियो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अब देखो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, अगर मैं आता हूँ तो जैसे ही मैंने पेज को लोड करा तो आप पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे ना तो यहाँ पे मेरे एक बथेर सी ना लिस्ट चालू हो गई है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो जैसे मैंने flipkart.com ओपन करा तो अभी मेरे पास बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है क्योंकि मैंने सिर्फ पेज होम पेज लोड हुआ। अब दिख रहा होगा आपको, अब ये आना शुरू हो गया धीरे धीरे क्योंकि फोल्डर्स बहुत सारे और ये ई कॉमर्स वेबसाइट है तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें फोल्डर्स ही बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे टॉप पे जाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे कोई इसके पेजेस वगैरह स्क्रॉल करता हूँ या फिर मान कोई भी एक फील्ड को मैं यूज़ करता हूँ, जैसे लेट सपोज कि मैं मॉनिटर की बात कर लेता हूँ, मैं एक मॉनिटर खरीदना चाहता हूँ तो इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी वरना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा मेरे सिस्टम पे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। सर वीडियो को अच्छी लग रही तो लाइक करना मत भूलना भाई, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया है, अब क्लिक करने का जैसे मैं आगे जाता हूँ थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अब देखेंगे आपको यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर आता है, तो अगर मान लो API कहीं ना कहीं अगर आप यूज़ कर रहे होंगे ना तो API का भी अपना एक फोल्डर बन के आ जाएगा और उस API के फोल्डर में सारी API होगी। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग फोल्डर में API डालेंगे, तो वेब एप्लीकेशन का ये बड़ा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप इसको चेक करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सिस्टमैटिक वे में ही सारी APIs होती है। मैं सारे डोमेन में चेक कर लेता हूँ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मिल गया, दिख रहा है ये API, कितना इजी है API को आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना, और कितना इजी है ये इनोमरेट करना कि बॉस यहाँ पे API है। और एक और सबसे बढ़िया चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं API का थर्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, सो देर माइट बी पॉसिबिलिटी अगर आप API के बारे में जानते हैं, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले वीडियोज़ के अंदर जनरली मैं कवर करने वाला वैसे भी हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता तो ये एक वर्जन की वल्नरेबिलिटी है कि अगर मान लो आप 3 वर्जन, अब देखो यहाँ 4th वर्जन भी इसने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब यहाँ पे वो मल्टीपल वर्जन यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, API की। अगर मान लो ये पुराने वर्जन पे भी सेम API हिट कर रही है तो वो भी एक बग हो सकता है। इतना इजी है API लेवल पे डिस्कवर करना। और अब API को मैंने सेग्रीगेट कर दिया तो पूरी वेबसाइट में से, अगर आप देखेंगे ना पूरी वेबसाइट में से API निकल के बिल्कुल बाहर हो गई है। तो जब भी आप किसी बड़ी एप्लीकेशन का वॉक थ्रू ले रहे हैं तो इसलिए बैकग्राउंड में हमेशा वर्ब सूट को चालू करके छोड़ दें ताकि आपका API सेग्रीगेट हो जाए, और उसके बाद फिर आप जो टेस्टिंग करें ना वो पहले आप API को पकड़ लो, चेक कर लो API में क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसके बाद जाके फिर आप एप्लीकेशन लेवल को कवर करो। ये चीज़ें बहुत सारे लोग जो ना वो आमतौर पर टेस्टिंग के दौरान छोड़ देते हैं क्योंकि उनको प्रोसेस नहीं पता, सिस्टम का प्रोसेस जो है ना वो क्या है, मतलब ऑडिट का प्रोसेस क्या है वो पता नहीं है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली रैंडम ही साइड पे जाके हंट करना चालू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, देयर शुड बी अ प्रॉपर वॉक थ्रू। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे API में 1, 2, 3 एंड 4, शायद 2 और 3 भी आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली जो डेटा दिख रहा होगा आपको 3 के अंदर डेटा और 4 में भी डेटा दिख रहा होगा, दोनों के अंदर कलेक्टर, इसमें भी कलेक्टर, कुछ API हो सकती है जो पहले वर्क कर रही होगी उसके बाद में इसको भी यूज़ करा गया हो, दोनों के अंदर बिजनेस है, दिख रहा होगा आप ऐसे करके, मतलब आप API को बड़ा सेग्रीगेट कर सकते हैं आराम से बर्ब सूट के इस फीचर के थ्रू। और बता दूं मैं आपको कि हम लोग है ना हमारे हैकर व्लॉग चैनल के ऊपर एक फ्री बर्ब सूट का कोर्स लेकर आने वाले हैं। मेरे सारे भाइयों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, वन भाई यार बग हंटिंग करते होने पर बर्ब सूट प्रॉपर चलाना नहीं आता, तो उन सारे भाइयों के लिए एक नया कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैकर व्लॉग पे जाके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हैकर व्लॉग को सेकंड चैनल हमारा, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आने वाला है, बहुत जल्दी लाइव हो जाएगा, ठीक है ना, फिर सीखेंगे वहाँ पे भी, ठीक है, समझ में आ रहा आपको। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको API मिल गया, तो ऐसा अब देखो यहाँ पे इसने भी कुछ नहीं दे रखा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐड टू स्कोप का ऑप्शन क्यों दिया गया है, मतलब इतना बड़ा टूल और ये छोटी सी चीज़ को क्यों लेके बैठा हुआ है, ऐड टू स्कोप क्यों करवा रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ही पता है कि अगर आप इंडस्ट्री में हो तो ऐड टू स्कोप का बहुत बड़ा मतलब है। अगर आपको HTTP का वर्जन है amazon.in को टेस्ट करने दिया गया और आपने HTTPS में बग निकाल दिया, नॉट वैलिड,
और हो सकता है कि कंपनी उसके लिए फायर कर दे आपको, क्योंकि जब जैसे मान लो कई बार है ना कंप्लायंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, कई बार सेबी हो गया या फिर कोई अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी को अगर आपको कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, उस कंडीशन में अगर कोई कंपनी आपसे ऑडिट करा रही है या फिर आप उसके लिए ऑडिट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ हमेशा स्टिक रहना है स्कोप पे। अगर आपने स्कोप के बाहर कोई भी साइट डाल दी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंपनी को, उस कंपनी में बहुत बड़ी पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि आपने टेस्टिंग ही गलत करवा ली बॉस, ठीक है ना, कि आपका स्कोप क्या था और आपने वल्नरेबिलिटी कौन सी उठाकर डाल दी उसके अंदर। तो हमेशा ऑलवेज स्टिक विद द स्कोप। आई नो कि ना कई बार जब अपन लोग वेबसाइट को टेस्ट करते हैं ना तो अपन को काफ़ी सारी जूसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो अदर डोमेन पे, हो सकता है कि बहुत सारे बग्स मिले जो अदर डोमेन पे एग्जिस्ट करते हो, पर ध्यान दें हमेशा आँख बंद कर लो भाई, जो चल रहा है वो सामने याद रखो। तो इसके लिए अगर वो एट स्कोप कर दो, ठीक है, एट स्कोप करने के बाद यस कर दो, और उसके बाद यहाँ जाके आप शो ओनली इन स्कोप आइटम कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा सारी सारी डोमेन्स जो हट जाएंगे अब सिर्फ आपके सामने आपका डोमेन है। तो मैंने अभी तक अमेजन का एक ही पेज ओपन करा था, तो मेरे सामने एक ही पेज है, बाकी सबको मैंने हाइड कर दिया। सो दिस इज एक्चुअली दिस इज मैथोलॉजी जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने मैथोलॉजी का आपका, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से अब जब मेरा यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं चलाता हूँ ये वाला, ठीक है ना, वेब oneweb.com। मैं आपको क्रॉस मतलब बीच में थोड़े से एग्जांपल देता रहूँगा अदर लाइव वेबसाइट की, ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, हाँ ये यहाँ पे ये अपन कर रहे हैं वहाँ पे ये करना पड़ेगा अपन को। एक मिनट हटाता हूँ मैं स्कोप से और मैं सारी देख लेता हूँ, मैं सारे में से एक वो भी डोमेन ले लेता हूँ, डोमेन को उसको फिल्टर करने में टाइम लगेगा। बताना मुझे एक बार ना कमेंट में डाल के भी बताना, मतलब वीडियो खत्म होने के बाद, कि ना टाइम जो है क्या सुटेबल रहेगा, 8 से 9 करें 7 से 9 करें। हाँ भाई रोजाना लाइव आते हैं आरपीएम म्यूजिक। ठीक है अब नीचे आता हूं मैं एक बार इसके अंदर, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि कौन सा वाला आने वाला है मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर आता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे 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 ये रहा, ठीक है मेरा डोमेन। इसको भी मैं एट स्कोप में कर लेता हूँ, ठीक है। अब एट स्कोप में मैंने कर लिया, एट स्कोप में करने का, तब मैं इसको फटाफट एक बार फिल्टर मार देता हूँ। आई नो कि बहुत सारे डोमेन थे, क्योंकि मैंने फेसबुक अगर मैंने ये फ्लिपकार्ट लोड कर दिया तो फ्लिपकार्ट की वजह से बहुत सारा ट्रैफिक जो है ना जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। पर एनी वेस्ट कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे html test html5.oneweb.com। अब क्या होता है जैसे मान लो दिख रहा होगा आपको इसका सीक्वेंस नज़र आ गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेते ही पहला काम क्या करना है आपको, तसल्ली रखो, ठीक है ना, अपने डोमेन को अपने स्कोप को डिफाइन कर लो, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना आप इसके ना डोमेन मिलते हैं, अब इसका दिखाया मैंने आपको, पोर्ट स्कैनिंग कर लो, जैसे यहाँ पे दे रखा है, एक सेकेंड रुक जाओ, शायद मैं सिस्टम को मुझे पूरा हटाने की जरूरत है एक बार, एक सेकेंड, अभी से स्टार्ट करता हूं मैं अभी खाली लिनक्स मशीन को। तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि आप डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाओ और nmap enumerate करो, या फिर मान लो कि आप DNS enumeration कर दो, ताकि आप ये चेक कर सको कितने डोमेन है, सब डोमेन है, ठीक है ना। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप वेब टेस्टिंग कर रहे हैं, आप बग बाउंडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बग बाउंडी में आप कभी भी DNS enumerate करने मत जाओ, आप स्कोप के बाहर पहुंच जाओगे। जो आपको स्कोप दे देगा, आप कोई सा भी एक प्रोग्राम उठा लो आप, ठीक है ना, अगर आप ओपन बाउंडी करते हो तो वो उठा लो, ओपन बाउंडी तो ओपन फॉर ऑल है, हैकर वन ले लो आप या फिर बकराउट ले लो, दोनों की जगह आपको स्कोप होता है। इवन कंपनी के अंदर भी स्कोप दिया जाता है कि आपको इसी पर टेस्टिंग करनी है, इसके बाहर आपको कुछ भी टेस्ट नहीं करना है। तो ध्यान दें हमेशा कि जो आपकी मेथोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहले मैं एक बार काली को ऑन कर लेता हूँ, ताकि उस पर थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न दिखा सकूँ, मैं आपको जो आपको नहीं करना वो बता रहा हूँ मैं अभी आपको। इसका इनोमेशन आप नेटक्राफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑल्दो वो इतना रिलायबल नहीं है, बट हाँ देन ऑल्सो मेरा काम चल जाएगा अभी एट द मोमेंट के लिए, ठीक है। netcraft.com थोड़ा बहुत DNS तो इनोमरेट कर ही देगा भाई मेरा। ठीक है रिसोर्स में चल जाता हूँ मैं, ये ऑनलाइन टूल कई बार बहुत सारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है आई एक्सेप्ट, नहीं जाते हैं सर्च DNS पे क्लिक करता हूँ मैं एक बार,
यहाँ पे जाके जो मेरा डोमेन है उसको मैं डालता हूँ। अभी गलती कहीं मत कर लेना जो मैं करने वाला हूँ। अपना तपन सर ये वल्नरेबल वेब पे अपन लगा देते हैं अटैक, ठीक है ना, इसी को सर्च कर लेते हैं, सब डोमेन और निकाल लेते हैं। नहीं मत करना ऐसा। अगर उन्होंने सब डोमेन पे स्टार मार्क मार्क कर रखा है, अगर आपका स्कोप कुछ इस टाइप का है, एक तो ये होता है और एक ये होता है आपका, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी वल्नरेबल वेब के जो भी सब डोमेन्स है सब निकाल लो। और अगर उसने सिर्फ ऐसा दे रखा है तो बॉस इस कंडीशन में स्ट्रिक्टली सिर्फ आपको एक ही सब डोमेन पे काम करना है, आपको दूसरे सब डोमेन के आसपास भी भटकना नहीं है, ठीक है ना। तो ऑलवेज स्टिक विद योर स्कोप जब भी आप अपने बग को हंट कर रहे हैं, ठीक है। उसका देखिए अपन तो कितने सारे आगे, टेस्ट पी एच पी डॉट वल्नरेबल वेब डॉट कॉम, ठीक है ना, फिर वल्नरेबल वेब डॉट कॉम, फिर वल्नरेबल वेब डॉट कॉम, फिर ये टेस्ट फाइव, टेस्ट एचटीएमएल फाइव, टेस्ट एएसपी डॉट, फिर एएसपी नेट रेस्ट, टेस्ट टेस्ट डॉट पी एच वल्नरेबल वेब डॉट कॉम। तो इतने सारे आपके पास सब डोमेन जो है आ गए हैं। अब आपको इन सब पे नहीं जाना है, पहले बोल दूं मैं, अगर आप बग हंटिंग करना चाह रहे हैं स्टिक विद द स्कोप। अब जैसे मान लो आपका जो भी स्कोप है, जैसे मेरा ये स्कोप है, सो ऑलवेज स्टार्ट विद द एप्लीकेशन वॉक थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली और फोकस करेंगे, क्योंकि पहला वाला इंट्रोडक्शन वीडियो तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ये जो कॉन्सेप्ट खराब हो रहे हैं अभी फिलहाल उन सबको मैं थोड़ा मजबूत कर दूँ पहले, ठीक है ना। क्या एप्लीकेशन वॉक थ्रू होता है, कैसे अपन इसको लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है एप्लीकेशन वॉक थ्रू के दौरान। क्योंकि एप्लीकेशन वॉक थ्रू जो होता है ना, कई बार क्लाइंट देता है और कई बार हमें खुद को लेना पड़ता है। अगर कोई बग बाउंड्री प्रोग्राम में जा रहे हो आप, जैसे आप हैकर बन का करा, आपने यहाँ बग क्राउड करा, तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन वॉक थ्रू आपको खुद को लेना पड़ेगा। बट व्हेन यू आर इन द ऑडिट, जब आप ऑडिट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्लाइंट आपको एप्लीकेशन वॉक थ्रू जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर अंतर होता है, ठीक है। अब अगर आप एप्लीकेशन वॉक थ्रू ले रहे हैं तो पहले आपको ये समझना है कि वाई दिस एप्लीकेशन इज मेड, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैं क्रोम बंद करता हूँ, सुबह जो ऑडिट चल रही है तो उस चक्कर में पूरा सिस्टम जो है 12 बजे पड़ी है सिस्टम की। ठीक है, अब देखो पहले तो हमें क्या चेक करना है, एक सेकेंड, यस वर्ड ले लेते हैं एक बार, इसको मैं डाउन करता हूं। चलिए ठीक है, तो पहला आपको ये चेक करना है, क्वेश्चन वन रहना चाहिए आपका, ठीक है ना, ऑडिटर एज अ ऑडिटर, ठीक है ना, या फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें। पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, व्हाई दिस एप्लीकेशन इज डेवलप्ड। ये डेवलप्ड क्यों हुई है, क्योंकि हर एप्लीकेशन कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो जैसा क्योंकि आप देखेंगे ना, तो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जहाँ पे 400-500 हज़ार पेजेस होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप सारे पेजेस टेस्ट करने जाओगे तो इट बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक टास्क। तो करना तो सारे ही है, पर आपको कम से कम एक लाइन जो है ना वो पकड़ लेनी है कि बॉस ये तो मेरा छूटना नहीं चाहिए, इसके अंदर तो मैं सारी चीज़ ट्राई करना है, बाकी उसके बाद जो मुझे और ट्राई करना वो एक अलग बात होती है, ठीक है ना। तो पहले तो एप्लीकेशन वॉक थ्रू के दौरान आपको यही चेक करना होता है कि जैसे इसको डालता हूँ मैं यहाँ पे और वर्ड खोल लेता हूँ, सिस्टम मुझसे नाराज है तो कितने सारे टैब खोल दिए भाई। ठीक है, वाई द एप्लीकेशन इज डेवलप्ड, डेवलप क्यों हुई एप्लीकेशन। अब देखो कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो डेवलप करते क्यों करते हैं कि ई कॉमर्स है, वो उसका सेगमेंट हो गया ई कॉमर्स ऐप, ठीक है ना। या फिर मान लो कोई स्विगी वाला हो गया, स्विगी हो गया, ठीक है ना, या फिर जोमैटो हो गया,
तो ये दोनों एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली ये फूड डिलीवरिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे मान लो आपने ओला ले लिया, उबर ले लिया, तो इसका पर्पस क्या है एप्लीकेशन का भाई? एप्लीकेशन का पर्पस ये है कि वो एक आपको है ना व्हीकल बुक करने के लिए आपको अलाउ कर रही है, आप रेंट कर सकते हैं व्हीकल को, या फिर मान लो आप है ना व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं जो भी मार्केट के नियर बाय में, ठीक है ना। तो वो चीज़ कैब बुक करने के लिए हम कर सकते हैं उसका यूज़, ठीक है ना। तो हर एप्लीकेशन है कोई ना कोई पर्पस से बनती है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक हो गया आपका, ये इसका पर्पस क्या है? ये इन एप्लीकेशन का पर्पस है कि ये सोशल मीडिया नेटवर्क है, एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप अपने प्रोफाइल बना सकते हैं, इवन आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए हर वेबसाइट जो होती है ना, जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं, उनका एक पर्पस होता है। हो सकता है किसी कंपनी का वो CRM हो सकता है, किसी कंपनी का कोई कंपनी उससे आपका डेटाबेस मैनेज कर रही है, हो सकता है कोई कंपनी उससे अपना स्टूडेंट मैनेज कर रही है। हर एप्लीकेशन का अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है ना। तो आपको वो जानना है, जैसे लेट सपोज अभी ट्रेंडिंग में जो बहुत चल रहा है ना, वो चल रहा है कि ना आपका इंश्योरेंस एप्लीकेशन, कोविड आने के बाद देखा होगा आपने, कोविड आने के बाद काफी सारी चीजें जो है ना, ठीक है, एक सेकेंड, तो कोविड आने देखा होगा आपने, कोविड आने के बाद काफी सारे जो है ना वो है एप्लीकेशंस नई नई आ गई है जो बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, एक तरीके से आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। तो जब इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है तो उस कंडीशन आपने देखा होगा यार ये तमाम सर, ये थोड़ा सा एक बड़ा नया तरीका आ गया कि बहुत सारी एप्लीकेशन, पर्पस क्या होता है उसमें, वो आप वहां पे जाओ, अपनी बेसिक डिटेल डालो, अपनी एज डालो, जो जो इंपॉर्टेंट उनके लिए होती है, आपका एज इंपॉर्टेंट होता है, आप क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रीमियम आपको पे करना है। ऐसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेती है, पैन कार्ड वगैरह लेती है आपसे, उसके बाद फिर क्या करती है आपको प्लान रेफर कर देती है। बहुत देखो आपके हिसाब से, आपकी कैटेगरी की, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारे प्लान है आपके लिए, ठीक है ना। तो वो सारे प्लान आप चेक कर लेते हैं, हाँ ये कौन कौन से प्लान है, उस प्लान में से अपना बेस्ट चूज करते हैं और उसके बाद डायरेक्टली पेमेंट करते हैं। अब ये सबका सेम है, ये आपका पॉलिसी बाजार का सेम है, या फिर मान लो आप कोई दूसरी एप्लीकेशन ले लेते हैं, उन सबका ये सेम ही सीक्वेंस रहता है। थोड़े बहुत ऑप्शंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, कहीं पे एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कहीं पे कस्टमर का भी हो जाएगा, और उसी पे एडमिन भी रहेगा। तो आप देखेंगे ना तो एक फ्लो सेम रहता है। तो ये फ्लो पहले आपको जानना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपको ये जानना है कि एप्लीकेशन क्यों डेवलप करी गई है। उसका सेकंड चीज़ जो आप जानेंगे वो जानते हैं कि भाई एप्लीकेशन आपने डेवलप तो कर ली, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको ये चेक करना पड़ता है टेक्नोलॉजी, कौन टेक्नोलॉजी पे आपने ये जो एप्लीकेशन है बिल्ड करी है ना। बहुत सारे लोग है ना अभी नोड जेएस पे करते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग अब ASP.NET पे भी कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग PHP पे करते हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी जाननी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर आगे बात चलता है कि हमें कितना एफर्ट लगना है इसके अंदर, ठीक है ना। PHP काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, अपाचे सर्वर होता है जिसका, ठीक है ना। उसके अलावा बैकएंड इसका MySQL के अंदर होता है डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपने टेक्नोलॉजी जाननी कि भाई ये Node.js पे डेवलप है, ASP.NET पे, PHP जिसके ऊपर भी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये देखना पड़ता है कि भाई एप्लीकेशन डेवलप हो गई अपनी, इस पर्पस के लिए हुई है, इसका टेक्नोलॉजी वो अभी ये यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। फिर आपको जानना पड़ता है नंबर ऑफ पेजेस, कि भाई नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतने आपके एफर्ट्स जो है ना वो बढ़ जाएंगे। तो आप ये जानना चाहते हो कि भाई कितने नंबर ऑफ पेजेस है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई हाँ इसके अंदर कितने कितने पेजेस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपको जानना होता है वो क्या जानना होता है आपको, कि नंबर ऑफ यूज़र रोल्स, क्योंकि जब आप टेस्टिंग करते हैं नंबर ऑफ यूज़र रोल पर ही करेंगे आप, ठीक है ना, और कितने आपके स्कोप में है, दैट इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूज़र रोल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई नंबर ऑफ यूज़र रोल्स जो है हमारे कितने होने वाले हैं। उसके बाद Q5 के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ यूजर रोल की बात फिर अपन ही चेक करते हैं कि ना इसका एप्लीकेशन का डेटा फ्लो डायग्राम क्या है, यह आपको खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये स्टार्ट होता है हमारा यूजर का लैंड करने से, लैंडिंग पेज, ये होता है फिर हमारा यूजर चेकआउट पेज, ठीक है। मतलब ये पूरा चीज कवर होता है, मतलब कहाँ से लैंड करेगा, कहाँ पे चेकआउट करेगा। जैसे मान लो फेसबुक में आप क्या करते हो, अकाउंट क्रिएट करते हो, लॉगिन जो हमारा क्रिएट अकाउंट क्रिएट वाला पेज है वो आपका लैंडिंग पेज हो गया। कोई भी कस्टमर वहाँ लैंड करेगा, उसके बिना तो अंदर ही नहीं घुस सकता, पहले अकाउंट बनाएगा तो लॉगिन करेगा ना, लॉगिन पे आ भी जाएगा तो उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा। तो यूजर लैंडिंग पेज क्या हो गया, वो अकाउंट क्रिएट, अकाउंट फिल करा, नेक्स्ट क्या करा उसने, लॉगिन करा, नेक्स्ट अंदर आया, अंदर आने का क्या करा उसने, लॉगिन कर लिया मैंने एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी प्रोफाइल अपडेट करूँगा, फोटोज वगैरह डालूंगा, उसके बाद फिर मैं करूँगा फ्रेंड्स जो है मेरे वहाँ पे उनसे कनेक्ट कर इंग्लिश करूँगा, हो सकता है कि मेरे वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स भी वो सिंक कराए। जब कॉन्टैक्ट्स सिंक कराएगा तो पता चलेगा कि भैया अच्छा मेरे कॉन्टैक्ट में से ये चार बंदे और फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी मर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उसको भी ऐड करवाएगा कि भाई आपको चाहिए तो इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, जो कभी एक्टिव नहीं है अपने अकाउंट के अंदर, ठीक बात है ना। तो आप उनको भी ऐड कर लोगे अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दोगे। फिर आप अपडेट करोगे कुछ चीज़ें, जैसे मान लो कि आपने
फोटोज अपडेट कर दी, ठीक है ना, डाल मत देना वरना क्या है कि पूरा बैन हो जाएगा अकाउंट, ठीक है ना। तो आपने फोटोज अपडेट कर दी, फिर आपने क्या कर दिया, आपने उस पर वीडियोज अपडेट कर दिया, आपने कुछ पोस्ट डाल दिया, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने उनसे चैट करा, तो ये बेसिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये बेसिक फंक्शन है और फिर यूजर लॉग आउट कर देगा ये सारे काम करने के बाद, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा यूजर फ्लो डायग्राम हो गया, स्टार्ट यहाँ से करा, एंड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये जो डायग्राम है ना, इसको टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टेस्ट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिक्स नंबर पे आपको क्या जानना है भाई, अपन ने डायग्राम भी समझ गया, फिर क्या है, नंबर ऑफ इनपुट फील्ड। अब क्या है कि इनपुट फील्ड्स के ऊपर हमें काम करना है। अब जैसे मान लो कि एक एप्लीकेशन जो होती है ना, उसको अगर आपको बग हंट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले नंबर ऑफ इनपुट फील्ड्स जानो, उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉरी, क्वेश्चन सेवन, नंबर ऑफ इनपुट फील्ड आपने जान ली कि भाई नंबर ऑफ और नंबर ऑफ फीचर्स, टाइप्स ऑफ फीचर्स। अब फीचर्स में क्या हो सकता है, जैसे मान लो सर्च करने का फीचर है, लॉगिन करने का फीचर है, ठीक है ना, फॉर्म्स है, ठीक है। अब फॉर्म्स हो सकते हैं बहुत सारे, 10-15 फॉर्म हो, तो पर वो फॉर्म तो फॉर्म कैटेगरी में आ जाएगा आपका। लॉगिन है तो लॉगिन कर, अब उसमें एडमिन लॉगिन करे, उसमें यूजर लॉगिन करे, कोई भी लॉगिन करे, लॉगिन पेज है हमारा उसके अंदर, ठीक है ना। पेमेंट, पेमेंट एक फीचर हो गया उसके, भाई ये फीचर है हमारे इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे ऐसे उसके अलावा आपका पासवर्ड रीसेट एक फीचर हो सकता है आपका, ऐसे करके काफ़ी सारे फीचर्स है ना कि एप्लीकेशन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है आपको टेस्टिंग के दौरान। अब जैसे मान लो कि आपने कोई एप्लीकेशन का वॉक थ्रू ले रहे थे और आपको पता चल गया भाई हाँ ये एप्लीकेशन है, इसको टेस्ट करना, तो आपका पहले डोमेन नोट डाउन कर लो कि भाई हाँ टेस्ट html5.vulnerableweb.com, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, उसके बाद फिर आपने क्या एक बार और नोट डाउन करा कि यहाँ पे आपने कितने सारे पेजेस हैं आपके, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको पेजेस। अब यहाँ पे वन बाय वन आपको स्क्रॉल करना है और साथ में पीछे बग फ्रूट को ऑन रखना है। देखो बग हंटिंग का है ना तरीका जो होता है ना, वो एक सीक्वेंस जो है, अगर आप सीक्वेंस फॉलो करोगे ना, आपको जल्दी बग्स मिल जाएंगे और बहुत जल्दी ऑडिट कंप्लीट कर पाओगे। जो लोग इंडस्ट्री में ऑडिट करते हैं वो लोग कम टाइम के अंदर टेस्टिंग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है सीक्वेंस क्या है, और जो काफ़ी लोग बग हंटिंग करते हैं उनको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वो 10-15, 20 दिन, 25 दिन, एक महीने तक उनको बग ही नहीं मिलता। पर्पस क्या होता है कि उनको पता ही नहीं मेथोलॉजी क्या है, तो जब जो मेथोलॉजी पता नहीं, वो ये उसने ये वाला वीडियो देखा बग का, उसको सर्च करना शुरू कर दिया, फिर अगले दिन किसी नया यूट्यूबर आ गया, उसने उसका वीडियो देख लिया, उसे सर्च करना शुरू कर दिया, ऐसे 50 वीडियो देख के उसे खुद की कोई मेथोलॉजी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि वो जब उसने एंड करा पूरे टेस्ट को, तो पता नहीं कि ना उसने पूरी एप्लीकेशन भी टेस्ट करी नहीं करी ढंग से, ये भी बहुत बड़े फ्लॉ आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बग हंटर्स जो होते हैं ना, वो कभी भी कंपनी में ऑडिट की ऑडिट पे काम नहीं कर पाते, थोड़ा सा दिक्कत आती है। सारे बंदों की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ 25-30-40% बंदों के अंदर ये दिक्कत आती है। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे पॉपुलर के ऊपर है, अब आपको हर एक पेज को समझना है, ठीक है ना। बग हंट करने से पहले, बग वेबसाइट में स्क्रिप्ट इंजेक्ट करने से पहले, DNS इनोमरेट करने से पहले, आप ये तो समझो कि एप्लीकेशन में है क्या टेस्ट करने लायक। हो सकता है कुछ एप्लीकेशन में कुछ हो ही ना हो, कई बार ऐसी एप्लीकेशन आती है हमारे पास जैसे 70 पेजेस है, 70 पेजेस में 2 फॉर्म है बस, जो करना है कर लो। अब 70 पेजेस में आपको क्या ही मिल जाएगा, सर्वर से कितना ही इंट्रैक्शन हो जाएगा आपका, तो जितना इंट्रैक्शन होगा उतना ही आप बग निकाल पाओगे। अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, सर्वर पे भी डिपेंड करती है, सर्वर के ऊपर फाइल परमिशन नहीं है तो इंप्रॉपर एक्सेस कंट्रोल की वल्नरेबिलिटी मिल सकती है। ऐसे कुछ बग्स भी होते हैं जो सर्वर पे काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, उसको आप अलग से डील करेंगे, पर पहले वेबसाइट के लॉजिक को समझना भाई वेबसाइट, क्योंकि देखो कई बार जब ऑडिट करोगे ना, तो कई बार कंपनी आपको ये बोलेगी मुझे वेबसाइट के कोड में लॉजिक्स में चेक करना है। अब उसके लिए सोर्स कोड रिव्यू नहीं, मैं लॉजिक चेक करने की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ही चेक करना है कि क्या ये जो पेज मैंने इंप्लीमेंट करा या मैंने पेज बनाया है या फिर मान लो ये फॉर्म बना, ये फॉर्म एक्चुअल में प्रॉपर बना है कि नहीं, इसमें वैलिडेशन प्रॉपर है नहीं है, या इसके अंदर वेरिफिकेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर मैं लॉगिन कर रहा हूं, तो कोई ऐसा तो नहीं कि अनऑथराइज यूज़र लॉगिन कर ले या बिना परमिशन के, बिना राइट यूजर नेम पासवर्ड के वो एक्सेस कर ले अकाउंट। तो ये सब चीज़ें, ये लॉजिक जो होता है ना, ये हम लोग VAPT के अंदर ये बग हंटिंग में चेक करते हैं, ठीक है ना। वो कोड कितना सिक्योर है, उसमें कौन सा फंक्शन यूज़ करा है, राइटिंग स्टाइल क्या है, ये सब चीज़ सोर्स कोड रिव्यू में जाता है। दोनों अलग अलग स्कोप है। अब देखो आपका भी दिमाग घूम रहा होगा, तपन भाई इतना कितना स्कोप आ गया बे, टेस्टिंग तो बोलते इतनी सी होती है, इसमें सोर्स कोड रिव्यू आ गया इसके अंदर, इसमें VAPT आ गया, इसमें सर्वर टेस्टिंग आ गया, API टेस्टिंग आ गया, ये सब के सब अलग अलग स्कोप है। वन बाय वन आगे आने वाली डेज के अंदर हम डील करेंगे, बताऊंगा मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। जिसको मेरे साथ में जिसको जो जो ये चाहता है कि भाई तपन भाई मुझे गाइड करो फ्यूचर में मैं कैसे अपना साइबर सिक्योरिटी करियर बनाऊँ, फॉर्म दिया हुआ चैट बॉक्स में आगे भर देना, और वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो लाइक कम है और अपने ज़्यादा बंदे थे पहले, अब तो कम हो गए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दे फटाफट एक बार, और टाइम सजेस्ट कर देना बॉयज़ की ना, मुझे टाइम क्या रखूँ मैं इस पर्टिकुलर क्लास का, ठीक है ना। अगर लेनी तो कितने बजे लूँ मैं, ये मुझे थोड़ा सा कमेंट में एक बार डाल देना जैसे ही खत्म होगी क्लास उसके बाद जाके, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर देखा है हमारे पास यहाँ पे, तो दिख रहा होगा आपको पहला वाला जो है ना सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिल्टर है, तो अपन टाइप करो, मैं एंटर मारता हूँ,
सर्च करा मैंने तो दिख रहा होगा मुझे यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकता हूँ मैं, और मैं डालता हूँ तपन, कुछ नहीं आया भाई, बेइज्जती, फुल फुल ऑन बेइज्जती होगी भाई यहाँ तो। ये देखो यहाँ पे एक बार रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चेक कर लो, खतरनाक लेवल पे बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। लेटेस्ट पोस्ट चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ मिल रहा है तो बिल्कुल भूखी रंगी वेबसाइट है, कुछ नहीं मिल रहा है इस पर तो। साइड चेंज कर लेते हैं एक बार, कुछ भरा हुआ तो हो कम से कम। अब बोलो तो अपन से साइड चेंज करी, नहीं इसमें कुछ साइन दिखाने लग गया, दिखाऊं क्या मैं आपको, नहीं भाई इसी साइड पकड़ो जिसमें कुछ डेटा भी हो। चेंज करता हूँ मैं वेबसाइट, ठीक है टेस्ट पीएचपी डॉट वन लेवल आप दे लेते हैं, ठीक है अब यहाँ दे लेते हैं एक बार, कैटेगरी वगैरह दे रखी है, बिल्कुल कैटेगरी, कुछ सामान तो होना चाहिए भाई, ई कॉमर्स टेस्ट कर रहे हैं, सामान एक भी नहीं है, चक्कर पड़ जाएगा भाई। हाँ ये पोस्टर वोस्टर मिल रहे हैं, पेंटिंग स्टिकर सब मिलेगा अपन को इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, जैसे लेट सपोज कि आपका सर्च वाला है, स्टार्टिंग में देखा अपन ने, तो पहले देख लो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 7 भाई पूरी रात खाली करवाएगा ये, 7 पेजेस है हमारे यहाँ, ठीक है ना। सर्च का एक फीचर दे रखा है तो अपन टाइप करा, अब सर्च करने पे अब देखो हमेशा टेस्टिंग जो है ना डायरेक्टली बग हंटिंग करना मत शुरू कर दो, ठीक है ना, कुछ नहीं कर पाओगे वरना। पहले बग हंटिंग से पहले आपको एक नॉर्मल एज अ लेमैन यूजर आपको समझना पड़ता है एप्लीकेशन कैसे वर्क कर रही है, हाउ द एप्लीकेशन बिहेव्स एक्चुअली। और एथिकल आर्ग्यूमेंट में आप देखेंगे ना तो कई बार आप देखेंगे आर्ट ऑफ एक्सप्लोइटेशन, किस तरीके से आप उस चीज़ को एक्सप्लोइट कर पाते हैं, या फिर फाइंडिंग डिजाइन वीकनेस इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग विथ ऑनर परमिशन। तो ये भाई आपके डिजाइन फीचर के अंदर क्या वीकनेस है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक मिनट देखो लैग हो रहा है, डायरेक्टली बग हंटिंग करना मत शुरू कर दो, ठीक है, पहले बग हंटिंग से पहले आपको थोड़ा सा लैग कर रहा है मेरे हिसाब से ना, देखता हूँ भाई एक बार कि ना लैग कर रहा है नहीं कर रहा, थोड़ा सा लैग कर रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ठीक है। तो अब दिख रहा होगा आपको, जैसे मैंने तपन टाइप करा, मैंने गो पे क्लिक करा तो तपन पे टाइप करने के बाद देखो मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे तपन जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रहा है, नहीं आ रहा, सर्च में आ रहा है, यूआरएल में आ रहा, दिख रहा होगा आपको, वेबसाइट इज आउट ऑफ ऑर्डर, प्लीज विजिट बैक, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो साइट ही बंद हो गई। ऑफिसर्स करते हैं एक बार, डेटाबेस में कुछ इशू आ गया इसके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार साइड में सर्च करते हैं अपन, कुछ बताना एक बार आज लैग कर रहा है क्या, लैग हो गया, आ रहा है नहीं आ रहा, सर्च में आ रहा है, ठीक है ठीक है, यहाँ पे दिख तो रहा है अपने, ठीक है एक बार अपन चेक कर लेते हैं इस पर प्रॉपरली रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। सर्च पे कर लेता हूँ, इस पर चेक कर लेता हूँ, मतलब आपको डेटा भी था कुछ इशू आ रहा है मेरे साइट के अंदर, लेट्स सी एक बार, तो ऐसे चेक कर लेते हैं एक बार बिना उसके, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने गो पे क्लिक करा, कैटेगरी आ गया, ब्राउज आर्टिस्ट करता हूँ मैं, आर्टिस्ट आ गया, ठीक बात है। तपन सजा ना, तपन नहीं आएगा, बाकी सब दे देगा ये एक ही बार में, करा मैंने ओके, चेक करते हैं, मैंने गूगल पे क्लिक करा, ठीक है तो मैंने तपन दे दिया, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, मैंने सर्च करा, सर्च में यहाँ पे दे दिया मेरा। अब क्वेरी जो यहाँ पे डाल दो सर्च, ठीक है
फर्स्ट फीचर क्या है इसका? सर्च। तो अब सर्च रिलेटेड जितने भी बग्स होते हैं ना आपके, जितने भी बग्स सर्च रिलेटेड है आपके, एसक्यूएल इंजेक्शन होगा आपका, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका एसक्यूएल इंजेक्शन के अलावा क्या होगा, एक्सेस होगा आपका, एचटीएमएल इंजेक्शन होगा आपका, ऐसे करके आपको लिस्ट बना लेनी है कि भाई कौन कौन से बग जो है ना इस पर्टिकुलर फीचर प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से करोगे ना तो आपको बहुत सटीक में बग मिल पाएंगे और आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। अगर आप नॉर्मल एसक्यूएल इंजेक्शन लेके बैठ गए और ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ ट्राई करूँ मैं, तो नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। सर्च वाला मिल गया आपको, इसके ऊपर दो चार मतलब और भी हैं बहुत सारे अटैक्स, ओपन आगे बात करेंगे, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसका देखो आपको यू आर एल में दिख रहा है, आपको यू आर एल में भी इंजेक्ट हो सकता है कुछ, अब देखते हैं एक बार इसके अंदर आर्टिस्ट आ रहा है मेरा। गाइस वो चैटों से बताना मुझे कि ना जो वीडियो है लैग कर रही है, नहीं कर रही है। फास्ट से बताना मुझे एक बार कि वीडियो लैग हो रही नहीं हो रही, अगर हो रही तो फिर एक्चुअली सिस्टम का इशू आया मेरे हिसाब से। चेक कर लेते, दो मिनट दीजिए मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। भाई इशू नहीं आना चाहिए, चक्कर पड़ जाएगा। चेक करना आप एक बार। चलिए कोई नहीं, मेरे हिसाब से सिस्टम का इशू आ रहा है, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास को अपन कल परसों कंटिन्यू करेंगे इस वाली वीडियो को, ठीक है ना। और फिर इसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके आते रहेंगे इसके अंदर, डेज के अंदर। तो आप फॉलो रखना इसको, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी आगे आने वाले काफ़ी सारे अच्छे कॉन्टेंट हम लोग लेकर आएंगे इसके अंदर। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इसमें हम लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं होता है, उनको पता है ये बग है पर ये कहाँ मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन उसको जानने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, जो वो शायद ना लाइव वीडियो के थ्रू नहीं पढ़ पाता, तो वो चीज़ हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में जो चाह रहे हैं बगंटिंग सीखना और जो अफोर्ड नहीं कर पाते हाई प्रीमियम कोर्सेज, तो प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, आने वाली सीरीज को वीडियो को देखिए, ठीक है गाइस। तो आज के लिए यहीं पे अपन एंड करते हैं, सिस्टम का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट।